सुप्रभात बच्चों, कक्षा 4 विषय हिंदी। तो आज हम पाठ 12 व्याकरण, व्याकरण में कक्षा 4, इसमें हम देखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय, मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। मूल शब्दों से पहले या बाद में नया वर्ण लगाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है। मूल शब्दों से पहले या बाद में नया वर्ण लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। यदि वर्ण मूल शब्द के पहले लगा हो तो उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में लगा हो तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर एक मूल शब्द है उससे पहले एक वर्ण लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है, या कोई भी मूल शब्द है उसके बाद में भी एक नया वर्ण लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। अगर वर्ण मूल शब्द के पहले लगाया है तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और वही वर्ण अगर मूल शब्द के बाद में लगाया है तो उसे कहते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग के कुछ उदाहरण हम देते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला शब्द है प्रजाति। पहला शब्द क्या है? प्रजाति। प्रजाति, प्र प्लस जाति। जाति जो है यह मूल शब्द है, प्लस इसमें आगे क्या लगाया है? प्र। प्र एक नया वर्ण मिलाया है जाति में। जाति शब्द में प्र एक नया वर्ण मिलाया है। जब मूल शब्द के पहले नया वर्ण मिलाकर शब्द बनाया जाता है, पहले वर्ण मिलाया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। किसी भी मूल शब्द के पहले नया वर्ण लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। तो पहला देखा हमने प्रजाति। जाति मूल शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगाया है। जाति के पहले नया वर्ण लगाया है तो वो प्रजाति बना। प्रजाति में प्र जो है वह उपसर्ग है। दूसरा सतर्क। तर्क जो है वह मूल शब्द है। तर्क के पहले स, स जो है नया वर्ण मिलाया। मूल शब्द के पहले जब नया वर्ण आता है, पहले आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। तो स क्या है इसमें? उपसर्ग। सतर्क ये शब्द कैसा हो गया? उपसर्ग शब्द कहलाएगा, क्योंकि सतर्क शब्द में स क्या है? तर्क के पहले लगाया है तो वह उपसर्ग है। इसके बाद सुरक्षा। सुरक्षा, रक्षा मूल शब्द है। मूल शब्द से पहले एक नया वर्ण मिला दिया सु और बनाया शब्द सुरक्षा, तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग शब्द कहलाएगा। सु रक्षा, मूल शब्द के पहले सु नया वर्ण मिलाया तो ये शब्द कौन सा है? सुरक्षा। यह शब्द उपसर्ग शब्द कहलाएगा। सुलेख, लेख क्या है? मूल शब्द, उससे पहले नया वर्ण मिलाया सु, सुलेख, सुंदर लेख, अच्छा लेख, सुलेख, तो यह उपसर्ग शब्द कहलाता है। अब प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। किसी भी मूल शब्द के बाद नया वर्ण मिलाकर जब शब्द बनाया जाता है तो उसे प्रत्यय लगाना कहते हैं। जैसे कि पहला है मोहित। पहला शब्द क्या है? मोहित। मोह प्लस इत, मोह में इत मिलाया, इत क्या है? प्रत्यय। तो मोहित जो है इसमें इत प्रत्यय शब्द है। सुंदरता, सुंदर क्या है? मूल शब्द है, ता प्रत्यय लगाया, सुंदरता प्रत्यय, ता प्रत्यय है इसमें। सुरक्षित, सु रक्षित से पहले सु आ गया, सु क्या है? उपसर्ग। जब किसी भी मूल शब्द के पहले नया वर्ण मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है तो उसे कहते हैं उपसर्ग। और किसी भी मूल शब्द के बाद नया वर्ण मिलाकर शब्द बनाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रत्यय। तो हमें मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके अगर लिखना है तो पहला उदाहरण हमने दिया है। पहला शब्द है प्रधानमंत्री। पहला शब्द क्या है हमारा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शब्द में प्र जो है धान है मूल शब्द। प्रधानमंत्री शब्द में धान जो है मूल शब्द है, इसमें पहले प्र लगाया है नया वर्ण तो यह उपसर्ग है।
विनम्रता शब्द में नम्र जो है यह मूल शब्द है। विनम्रता, वी जो है उपसर्ग है, विनम्रता का क्या है प्रत्यय कहलाता है। उसके बाद तीसरा शब्द है सौभाग्य। सौभाग्य, भाग्य है मूल शब्द। मूल शब्द कौन सा है? भाग्य। सौ क्या है? उपसर्ग है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। अगर सौभाग्यशाली होता तो सौ होता उपसर्ग, भाग्य होता मूल शब्द और शाली क्या होता प्रत्यय कहलाता। इसके बाद अगला शब्द है ईमानदारी। ईमानदार, मान क्या है? मूल शब्द है। ई जो है उपसर्ग है और दारी जो है यह प्रत्यय शब्द है। दारी प्रत्यय है, मूल शब्द के बाद उसे प्रत्यय लगाया गया है, नया वर्ण मिला हुआ शब्द बनाया है। ईमानदारी, ई ई मूल शब्द के पहले नया वर्ण लगाया है ई, तो यह है उपसर्ग। मान जो है यह मूल शब्द है और दारी जो है यह प्रत्यय कहलाएगा। इसके बाद है भाग्यशाली। भाग्यशाली में कोई भी उपसर्ग नहीं है। भाग्य जो है वह मूल शब्द है और शाली क्या कहलाता है? शाली कहलाता है प्रत्यय। तो देखिए हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज जाने पाठ 12 व्याकरण कक्षा 4 हिंदी में हम देख रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय का भेद। उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? कौन सा शब्द उपसर्ग शब्द कहलाएगा? कौन सा शब्द प्रत्यय लगाकर बनाया हुआ है? तो इसे अगर पहचानना है तो इसकी व्याख्या को जानना बड़ा जरूरी है। तो क्या बताया है? मूल शब्दों से पहले या बाद में नया वर्ण लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। मूल शब्द के पहले या बाद में
मान मूल शब्द के पहले नया वर्ण लगा ई, ई मान, ई जो है यह उपसर्ग है, ईमानदार, दारी क्या है, प्रत्यय है, और इसके बाद भाग्यशाली, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, भाग्य मूल शब्द है और शाली उसे प्रत्यय लगाया हुआ है। तो मूल शब्द के बाद जो नया वर्ण लगाकर शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब क्या है, देखिए कई बार मूल शब्दों से पहले या बाद में नया वर्ण लगाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। मूल शब्द से पहले या बाद में नया वर्ण लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। अगर वो वर्ण मूल शब्द के पहले लगाओ तो उसे कहते हैं उपसर्ग, वही वर्ण मूल शब्द के बाद में लगाओ तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। अब उपसर्ग के उदाहरण हम देखें, प्रजाति, प्र प्लस जाति, प्र क्या है इसमें उपसर्ग, सता के शब्द में स प्लस तर, स क्या है उपसर्ग, सुरक्षा, सुरक्षा शब्द में सु क्या है उपसर्ग है, उसके बाद सुने सु प्लस ले, सु क्या है इसमें उपसर्ग है। अब प्रत्यय का कुछ उदाहरण देखेंगे, समझ में आएंगे।